स्वागत है दोस्तों आप सभी का एस्ट्रोटॉक पे। मैं हूं आचार्य राकेश सिन्हा। मैं आपको सिखा रहा हूं ज्योतिष, और वो भी बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में। मैं किसी भी ढंग की कोई भी बहुत बड़ी टेक्निकल बातें नहीं कर रहा हूं, और मेरा उद्देश्य है कि एक आम आदमी भी अपनी कुंडली को पढ़ सके, जान सके, और जो रेमेडीज है उसके द्वारा उसे लाभ प्राप्त हो, यही मेरा उद्देश्य है। तो दोस्तों, पीछे हमने 5 वीडियो ऑलरेडी जो है शूट कर लिया है, उसे चढ़ा दिया है। तो आप लोगों से बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ज्योतिष, जैसे हम पढ़ाई के लिए किसी भी स्कूल की पढ़ाई के लिए किसी चैप्टर को अगर हम बार बार अगर रिवीजन करते हैं तो वो बिल्कुल हमारे दिमाग के अंदर फिट हो जाता है। तो ज्योतिष एक ऐसा चीज़ है जो दिमाग के अंदर बिल्कुल फिट हो जाना अति आवश्यक है। उसके बाद आपको कोई भी आगे परेशानी नहीं होगी, और इसमें एक एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा और उसे रिपीट करते जाइएगा। आज हम बात करेंगे, देखिए पीछे हमने बताया कि ज्योतिष जो है 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। जो जो चार्ट है, ज्योतिष का चार्ट है, वो 3 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला है आपका जो हाउसेस, जो घर है, दूसरा है आपकी राशि, और तीसरा है 9 ग्रह। इन्हीं तीनों के ताने बाने में ये चार्ट बुना गया है और आप फलादेश को प्राप्त करते हैं। तो हमने आपको ग्रह के बारे में बता दिया है, 9 ग्रह के बारे में पिछली क्लास में। अब हम बात करेंगे हाउसेस। देखिए, जो बीच में जिसे जो हम लग्न कहते हैं वो हमारा प्रथम हाउस कहलाता है, और हमेशा हम जो काउंटिंग करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हम एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करेंगे, वो जो 12 खाने बने हुए हैं उसमें एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करेंगे। और जो केंद्र है, जो उसे हम प्रथम हाउस कहते हैं, वहां से फिर एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे, फिर वो द्वितीय हाउस होगा, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, ऐसे करते हुए हम द्वादश हाउस भाव घर की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, अब इसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात, इसे ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाउस मतलब क्या होता है? घर, खाना। तो किसी भी आदमी का जब कुंडली बनता है तो उसका एक हाउस फिक्स हो जाता है, और वो हाउस कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज कभी भी नहीं बदलेगी। जो उसका फर्स्ट हाउस है वो हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, और फर्स्ट हाउस के अपने गुण होते हैं, और वो गुण हर एक आदमी के लिए लागू होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं राशि से जुड़ा होता है। राशि के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी बनेगी, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी हाउस का हर एक आदमी के लिए सेम रहेगा। याद रखिए, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, एक 6 बाई 8 का कमरा है, तो अब वो 6 बाई 8 का कमरा ना तो उसे बड़ा बनाया जा सकता है, ना उसे खिसकाया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें एक पान का दुकान खुलता है तो वो एक पान के दुकान के नाम से जाना जाता है। अगर हम उसमें एक मिठाई का दुकान खोल देते हैं तो वो एक मिठाई के दुकान के नाम से मशहूर हो जाता है। अगर उसमें हम ग्रोसरी का कुछ खोल देते हैं तो ग्रोसरी के नाम से वो मशहूर हो जाता है, लेकिन वो एरिया 6 बाई 8 का ही होता है, और वो जो जगह है वो फिक्स्ड है। तो वो 6 बाई 8 क्या है? खाना है, घर है, हाउसेस है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस जो है सो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज को बताता है, मतलब कि कोई भी इंसान देखने में कैसा होगा, गोरा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, काला होगा, सफेद होगा, देखने में गेरुआ कलर का होगा, उसके बाल घुंघराले होंगे,
तो होल बॉडी स्ट्रक्चर हम प्रथम हाउस से जान सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो बात होती है हमारी डिग्निटी की, मान सम्मान, अब इसमें जब हम आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे कि मान सम्मान की बात जो है सो हम और भी चीजों से देखते हैं, लेकिन वो सब चीजें जो हैं वो जैसे नौकरी की वजह से मान सम्मान हुआ, ठीक है, या पिता की बदौलत कोई मान सम्मान हुआ तो वो एक अलग बात है, लेकिन प्रथम हाउस का मान सम्मान से रिलेशन ये है कि आपके अपने पर्सनालिटी की वजह से जो आपको मान सम्मान मिलता है वो उसका कारक है प्रथम हाउस। आप देखते होंगे कि बहुत आदमी से रोड पे चल रहा होता है, हमें ये नहीं पता होता है कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो करोड़पति है या गरीब है, लेकिन हम किसी आदमी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कोई आदमी से नहीं हो पाते हैं, तो ये उसका फर्स्ट हाउस ही डिफाइंड करता है।